कर जाओ, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भाजपा जम्मू से भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा विलय दिवस के तिरस्कार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा कश्मीर के प्रति तुष्टिकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद के रहेगी, बंद के रहेगी, बंद के रहेगी, बंद के रहेगी। बंद के रहेगी, 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 बंद के रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू का यूटी स्टेटस वापस लो, वापस लो, वापस लो। जम्मू का राज्य की दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू का यूटी स्टेटस वापस लो, वापस लो, वापस लो। जम्मू का राज्य की दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भाजपा जम्मू से भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा कश्मीरियों को खुश करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद के रहेगी, बंद के रहेगी, बंद के रहेगी, बंद के रहेगी। देखिए जिस तरीके से राज्य का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी अपना विरोध का प्रदर्शन कर रही है। इसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ किया था, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के लोगों की भावनाओं की कदर होगी, उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने न केवल इस रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए बल्कि इसके दर्जे को घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते हुए तो देखा है, लेकिन किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते हुए पहली बारी देखा है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी किसी स्टेट का दर्जा नहीं घटाया गया, किसी को डिमोट नहीं किया गया। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ लोगों की भावनाओं की अपेक्षा करते हुए सरकार ने इस डोगरा साम्राज्य को जो है एक डिसऑनर किया और इस एकमात्र डोगरा स्टेट का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यहां के लोगों की भावनाओं के साथ एक मजाक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। ये विडंबना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आज तक कहती रही कि जम्मू के लोगों की चैंपियन करेंगे, इनके जज्बात की तर्जुमानी करने का बड़े बड़े वादे करती थी इलेक्शन के दौरान, आज उसी पॉलिटिकल पार्टी ने जब उनकी हुकूमत आई तो एकमात्र डोगरा स्टेट को जो है डिग्रेड करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये ना केवल एक स्टेट की डिमोशन है बल्कि हर यहाँ के रहने वाले नागरिक के दर्जे को घटाया गया है। पैंथर्स पार्टी इस किस्म के रवैये को कंडेम करती है, इसकी कड़ी मुजम्मत करती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाइए। आप जम्मू के अवाम को सजा क्यों दे रहे हैं? कश्मीर में अगर कुछ होगा उसकी सजा जम्मू क्यों भुगतेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल उसके हवाले कर दिया, एक एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक के आदमी के हवाले आपने जम्मू कश्मीर को कर दिया। यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात आपने किया। वोट लेने के बाद आप तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करने की बात करते थे, खास तौर पर जम्मू के लोगों को आप कहते थे कि अन्याय नहीं होगा, लेकिन यहां के लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है यह पैंथर्स पार्टी जानना चाहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को वापस लीजिए, यहां फुल फ्लेज गवर्नर होना चाहिए और स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए। पैंथर्स पार्टी इस मुहिम को आने वाले वक्त में आगे ले जाएगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी ताकि लोगों की भावनाओं के साथ और खास तौर पर डोगरों की भावनाओं के साथ जो मजाक है उसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। सेंटर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की हालत को देखते हुए यूटी बनाया गया, ये टेंपरेरी बेस यूटी है। देखिए 370 भी टेंपरेरी था लेकिन 70 साल लगे उस टेंपरेरी को ख़त्म करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने जुमलों के लिए जानी जाती है। अगर आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है तो आप कश्मीर को बनाइए यूनियन टेरिटरी। जम्मू के लोगों को किस बात की सज़ा आप दे रहे हैं? आपने जम्मू को फॉर ग्रांटेड ले लिया और कोई भी फैसला आप जम्मू के लोगों के सिरों के ऊपर थोप देते हैं। क्या वोटों को आपको ने यही सिला दिया है यहाँ जम्मू के लोगों को, और अपनी मर्जी से कोई भी फैसला आप ले लेते हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी बनाना हो,
चाहे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाना हो, टोल टैक्स लगाना हो, यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगाना हो, इंटरनेट को बैन करना हो, जब आपको पूछा जाता है आप कहते हैं हमारी मर्ज़ी है। ये मर्ज़ी की सरकारें नहीं चलती हैं, वो सरकार चलती है जो लोगों की भावनाओं की कदर करे और लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक चले। आपको आने वाले वक्त में इसका जवाब मिलेगा। और BDC की इलेक्शन में जिस तरीके से आपके नुमाइंदे एक के बाद एक हारे हैं, वो भी आपके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, उससे सबक लीजिए, वरना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नेस्तानाबूद हो जाए।